नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज लेके आई हूँ बीएससी सेकंड ईयर के इनऑर्गेनिक के स्टूडेंटों के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चीलेट्स एंड इट्स स्टेबिलिटी। इससे पहले ये हमारा पार्ट सिक्स है, इससे पहले हम पार्ट फिफ्थ तक बता चुके हैं कि व्हाट आर चीलेट्स। फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ कि चीलेट्स हम किसे कहते हैं। चीलेट्स हम वो कंपाउंड होते हैं जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, चीलेट्स। और ये हमेशा मोस्टली बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, मतलब पॉलीडेंटेड जो भी लिगेंड्स होते हैं वो आपके रिंग वाले कंपाउंड में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें किस नाम से जानते हैं, चीलेट्स। तो क्या हुआ चीलेट्स, देखिए, चीलेट्स इज ए स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड इन विच ए मेटल एटम और आयन अटैच टू द लिगेंड्स। वो तो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमेशा वैसे भी मेटल एटम किससे अटैच होता है, लिगेंड्स अरेंज होता है विद मोर देन वन डोनर साइट प्रोड्यूसिंग वन और मोर रिंग। लेकिन चीलेट्स में क्या होता है, वो दो या दो से अधिक साइड से जुड़ा रहता है और क्या बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये हमारा बना, हमने चीलेट्स लिया है, ये सेंटर मेटल है आयरन और चार ये रिंग्स अरेंज है तो ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ये आयरन है, इथाइलिन डायमिन से ये आपका हाइड्रो, इधर से नाइट्रोजन से नाइट्रोजन डोमेटिक ग्रुप है, इधर से भी नाइट्रोजन डोमेटिक ग्रुप है, आपका जुड़कर रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो बड़ा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, चीलेट्स। अब हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया कोई एग्जाम्पल, सपोज हमने लिया एफ ई एन का होल प्राइस, ठीक है, 3+, सपोज हमने ये लिया तो इससे क्या, इसका मतलब क्या है, दिस इज द सेंटर मेटल, एफ ई क्या है, सेंटर मेटल है और किससे सराउंडेड है, ई एन यानी कि इथाइलिन डायमिन से सराउंडेड है। और जब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द एफ ई, इथाइलिन डायमिन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज द डोनर साइट, एक साइड से अरेंज है, कितना अरेंज है, 3, तो ये हो गया आपका एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू, यहाँ से डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और ऐसे हो गया एन एच टू सी एच टू सी एच टू और ये हो गया एन एच टू, तो 3 साइड से 3 डोनर साइट, आपकी डोनर साइट टोटल लगे कितनी होगी, 6 हो गई और वैसे देखा जाए तो 3 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये क्या बना रहा है, ये दिस पोर्शन इज द रिंग स्ट्रक्चर, दिस पोर्शन इज द रिंग स्ट्रक्चर, दिस पोर्शन इज द रिंग स्ट्रक्चर, प्रोड्यूस अ रिंग स्ट्रक्चर, प्रोड्यूस वन और मोर रिंग, दैट इज नोन एज द चीलेट। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड साइक्लिक और किलेटिक कॉम्प्लेक्स, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं साइक्लिक और किलेटिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ सच रिंग आर कॉल्ड नोन एज द किलेशन और साइक्लाइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किलेशन या साइक्लाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये हमारी प्रोसेस क्या होता है, किलेशन या इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ किलेट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स एंड नेचर ऑफ द किलेटिंग लिगेंड सच एज बाइडेंटेड किलेट्स, ट्राइडेंटेड किलेट्स एट्रा। कहने का मतलब है अगर सेंटर मेटल के सराउंडिंग में बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये मैंने एग्जाम्पल लिया तो आप देख रहे हैं इसमें दिस इज द बाइडेंटेड लिगेंड, ये बाइडेंटेड लिगेंड रेंज है तो ये किलेट्स कहेगा बाइडेंटेड किलेट्स। अगर ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा तो हमारा ट्राइडेंटेड किलेट्स, टेट्राडेंटेड हो तो टेट्राडेंटेड, मल्टीडेंटेड यानी कि जितने जिस टाइप का डोनेटिंग साइट होगी उसी के बेसिस पर हम किलेट को क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि बायोडेंटेड लिगेंड कौन कौन से होते हैं, ट्राइडेंटेड क्या होता है, मोनोडेंटेड क्या होता है, इसके लिए हमने इससे पहले देखिए तीसरा चौथा जो पार्ट होगा हम, जिसमें मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ लिगेंड, कितने टाइप के लिगेंड होते हैं, हम लिगेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, बायोडेंटेड क्या होता है, ट्राइडेंटेड क्या होता है, इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो दिस इज द किलेट्स, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा किलेट्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द किलेट्स, किलेट्स की मेन एप्लीकेशन क्या होती है, किलेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या काम है इसका। किलेट्स आर यूजफुल इन द वाटर सॉफ्टिंग मेडिसिनल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड फूड स्टडी इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इसका यूज वाटर सॉफ्टिंग में यूज किया जाता है, मेडिसिनल एनालिटिकल केमिस्ट्री में जुता है, इंडस्ट्रीज में जुता है एंड फूड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यानी कि फूड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में इसका विशेष रूप से यूज किया जाता है। इन वाटर सॉफ्टनिंग काम है, वाटर सॉफ्टनिंग में क्या होता है, देखिए यू नो दैट वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब होता है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, आपने प्राइमरी सेक्शन में सुना होगा, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और सल्फेट के कारण जो इम्प्योरिटी जाती है उससे हम हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब है वाटर में इम्प्योरिटीज आ गई, किसी में मिट्टी पत्थर आना इम्प्योरिटीज नहीं कहलाता हमारे केमिकल व्यू में, हमारे केमिकल व्यू में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड आने के कारण जो इम्प्योरिटीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इम्प्योरिटी। सो इन वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिस्पॉन्सिबल द हार्डनिंग ऑफ वाटर, यू नो दैट कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो होते हैं वाटर की हार्डनेस यानी कि वाटर की इम्प्योरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। These ions are react with the soap, precipitate out in the presence of chelating ligands such as polyphosphate and polydentate amino acid,
नो प्रेसिपिटेशन अकर एंड दीज आयन फॉर्म ए कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम का आयन हमारे जो कीलेट्स होते हैं उनके साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, दीज आयन फॉर्म ए कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स, हमारे क्या बना देते हैं, कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एंड दीज पॉलीफॉस्फेट एंड पॉलीएंटर डिगन प्रेजेंट इज सोप एंड देन सॉफ्टनर वाटर। जैसे ही कीलेट्स बनेंगे यानी कि उन वो आयन हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होंगे हमारे हमारे जो हार्ड वाटर जो इंप्योरिटीज है कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन जो वाटर में प्रेजेंट है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन हमारे ये हो गया आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हमारे क्या होते हैं क्या बनाने की टेंडेंस रखते हैं कीलेट्स बनाने की टेंडेंस रखते हैं किसके साथ किसी भी बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड लिगेंड के साथ जुड़कर। और जब वो कीलेट्स बनाने की टेंडेंस रखेंगे तो दीज कीले कंपाउंड ऑफ पॉलीफॉस्फेट फॉस्फेट प्रेजेंट इन द सोप एंड द सॉफ्टनर द वाटर। जैसे ही कीलेट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज द हैवी पार्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स होने के कारण नीचे सल्ट डाल जाएंगे और हम इसको क्या करेंगे वाटर को जब चेक करेंगे तो दिस वाटर शुड बी सॉफ्ट, ये वाटर हमारा क्या होगा सॉफ्ट वाटर यानी कि प्योरीफाइड वाटर ऑपरेंट होगा, हमें इस तरह से क्या होगा प्योरीफाइड वाटर ऑपरेंट होगा। ये था आपका वाटर सॉफ्टिंग का वाटर। इन फूड इंडस्ट्री मैंने बोला फूड इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है, कैसे देखिए मेटल अमीनो एसिड कीलेट आर हेल्पफुल इंक्रीजिंग इनहेंसिंग द मिनरल एब्जॉर्प्शन सच एज फेरस बाई ग्लाइसिनेट। कीलेट्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रिजर्व फूड फ्रूट्स एंड फूड स्टफ्स। इसका यूज क्या होता है, ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं फेरस बिस ग्लाइसिनेट। फेरस का मतलब क्या फेरस का मतलब क्या हो गया आयरन का आयन, फेरस बिस ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट आपका क्या होता है बाइडेंटेड लिगेंड, ग्लाइसिनेट ऑक्सीडेट ये सब के सब क्या होता है ग्लाइसिनेट, यानी कि इसमें भी चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। एंड चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बन गए तो ये यूजफुल होता है प्रिजर्व करने के किसको, फूड को, फ्रूट जूस को, फूड स्टफ को, यानी कि खाने के मटेरियल को क्या करने के लिए उसका एब्जॉर्प्शन करके उसको सेव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इसमें भी कीलेट्स बनना होता है। नेक्स्ट इसका यूज होता है इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में कैसे होता है देखिए मेटल क्लस्टर मेटल कीलेट्स आर यूजफुल एज ए कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। हमारे जो एग्रीकल्चर से होते हैं उनमें कीलेट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्यों, क्योंकि यू नो दैट माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोथ आर प्रेजेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज मैग्नीज आयरन जिंक एंड कॉपर आर रिक्वायर्ड टू ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट के हेल्थ के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट की हेल्थ के लिए ये सब चीजें बहुत क्या होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो इनके इंपॉर्टेंट होने से क्या फायदा देखिए दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद ईडीटी क्या वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोली, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आयरन मैग्नीज कॉपर और कॉपर जो है हमारे आयरन मैग्नीज कॉपर ठीक है जिंक जो है हमारे प्रेजेंट अलॉन्ग विद द EDTA टू फॉर्म ए चीलेट फर्टिलाइजर। EDTA के साथ मिलकर बनाते हैं चीलेट फर्टिलाइजर, EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्रासिटेट के साथ बनाते हैं चीलेट फर्टिलाइजर्स ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द चीलेट एनहांस अपटेक टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट बाय द प्लांट। जैसे ही चीलेट फर्टिलाइजर बनेंगे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट अपटेक कर लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा। एंड दी चीलेटिन इज ऑल्सो यूज इन द डेटॉक्सिफाई पॉइजनियस एंड मेटल्स सच एज द मर्करी आर्सेनिक लेड प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड वाटर। इनको ये डेटॉक्सिफाई कर देता है, बाहर निकाल देता है किसको पॉइजनियस मेटल को, जैसे कि मर्करी आर्सेनिक लेड जो हमारे पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि फूड इंडस्ट्रीज में भी चीलेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, जब तक चीलेट्स नहीं बनेंगे तब तक हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ को इंक्रीज वो अपटेक नहीं किए जाएंगे और हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। नाउ फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री कहने का होता है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इसका क्या उपयोग है। इन ह्यूमन फ्लूड सिट्रिक मैलिक एंड टार्ट्रिक एसिड द नेचुरल चीलेटिंग एजेंट कीप द मेटल्स आयंस अवे फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। हमारे जो ह्यूमन फ्लूड्स में सिट्रिक एसिड मैलिक एसिड टार्ट्रिक एसिड जो नेचुरल चीलेटिंग एजेंट होते हैं कीप द मेटल्स आयन अवे फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। इन मेटल्स आयंस को क्या कर देता है प्रेसिपिटेट आउट करने में क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, करने के लिए क्या होता है उत्तरदायी होता है ठीक। अब द अदर फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द चीलेट्स आर हीमोग्लोबिन। हमारे इसके अलावा चीलेट बनने की टेंडेंसी क्या होती है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन के साथ विटामिन B12 के साथ क्लोरोफिल के साथ साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन के साथ ये कीलेट्स बनाने की टेंडेंसी रखता है, जिससे हमारी बॉडी के लिए क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि हमारे कीलेट्स की इंपॉर्टेंस हम स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्ट साइज ऑफ द रिंग एंड द नंबर ऑफ द रिंग। हम तीन फैक्टर हम ले होने को तो कई फैक्टर्स होते हैं, हमने जो बोला है स्टेरिक फैक्टर साइज ऑफ द रिंग एंड द नंबर ऑफ द रिंग, यानी कि स्टेरिक फैक्टर जितना ज्यादा घिरा होगा स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस आप लोगों ने वर्ड सुना होगा जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो स्टेरिक फैक्ट
जितना होगा साइज ऑफ द रिंग, रिंग का साइज क्या है, तीसरा नंबर ऑफ द रिंग, कितनी रिंग्स उसमें प्रेजेंट है। तो पहला फैक्टर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। व्हेन ए ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द डोनर एटम और नियर द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड, द मेटल लिगेंड बॉन्ड कम वीक एंड दस द लोअर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। व्हेन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द डोनर एटम, जो भी ग्रुप आपका डोनर एटम, कोई भी सेंटर मेटल है आपका, जैसे भी कोई भी सेंटर मेटल है आपका, आपने आयरन ही सेंटर मेटल ले लिया क्योंकि आपको पता है सेंटर मेटल कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो हमने लिया आयरन, ठीक है। व्हेन ए ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द डोनर एटम ऑन द नियर ऑफ द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड, इससे कोई भी डोनर एटम जुड़ा होगा और डोनर एटम हमने क्या लिया, इथाइल डाइमिन का कॉम्प्लेक्स ले रखा है, ई एन इथाइल डाइमिन लिखा है। Then metal ligand bond come weak and thus the lower the stability. जिससे डोनर एटम, अगर डोनर एटम के नजदीक कोई डोनर एटम प्रेजेंट है तो metal ligand bond should be become weak and thus the weaker the stability of complex. अब ये इथाइलिन डायमिन का अगर कॉम्प्लेक्स है, ये है आपका ई एन, ठीक है, हमने लिया कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया, इथाइलिन डायमिन, ठीक है, ये हमारा ई एन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हमने इथाइलिन डायमिन का कॉम्प्लेक्स लेके बनाया हमने कोई भी एक किलेटी कॉम्प्लेक्स, ये होगा तीन इथाइलिन डायमिन हमने सोपर दिए। लेकिन अगर इस बॉन्ड के नजदीक कोई दूसरा बॉन्ड होगा नियर द डोनर एटम ऑफ अ लिगेंड, द मेटल लिगेंड बॉन्ड शुड बी वीक, और अभी तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इसके नजदीक कोई दूसरा बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लोअर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कैसे देखिए, दिस इफेक्ट इज नोन एज द स्टेरिक इफेक्ट, क्यों, क्योंकि पहले से प्रेजेंट ग्रुप में पहले से प्रेजेंट फंक्शन आपका क्या था, लिगेंड था, उसके नजदीक कोई दूसरा लिगेंड आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा, स्टेरिक, दिस इफेक्ट इज नोन एज द स्टेरिक इफेक्ट एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस, इस इफेक्ट को किस नाम से, स्टेरिक इफेक्ट, पहले से प्रेजेंट ग्रुप के सराउंडिंग में कोई दूसरा लिगेंड अरेंज होगा तो इस इफेक्ट को किस नाम से जाने, स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। अमंग द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, कॉम्प्लेक्स वन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स वन, हमने लिया है कॉम्प्लेक्स वन, ये हमारा कॉम्प्लेक्स वन है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स वन एंड द कॉम्प्लेक्स टू विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स वन। क्या बोला, अमंग कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स टू विल बी मोर स्टेबल, कॉम्प्लेक्स वन क्या है लीस स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स टू क्या है मोर स्टेबल है। देयर इज वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप नियर द डोनर एटम, हमारे यहाँ एक ही मिथाइल ग्रुप, देयर इज वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप नियर द डोनर एटम नाइट्रोजन विच कॉज द स्टेरिक इफेक्ट, जिसमें इसकी स्टेबिलिटी कम होने का कारण क्या है कि इसमें पहले से प्रेजेंट हो, इसमें इसमें नाइट्रोजन के सराउंडिंग के इसके नजदीक यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, सी एच थ्री ग्रुप, सी एच थ्री ग्रुप ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हमारा ये क्या कहलाता है, हमारा ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, डोनर ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप, हमारा क्या है रिलीजिंग ग्रुप कहलाता है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो पहले से प्रेजेंट ग्रुप के सराउंडिंग में कोई दूसरा ग्रुप होने को हम क्या कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं, यही बताया मैंने। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, आपके नाइट्रोजन आपका जो ग्रुप दिख रहा है नाइट्रोजन, इसके सराउंडिंग में उसके आस पास कोई भी डोनर एटम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट ग्रुप के सराउंडिंग में कॉज ऑफ द स्टेरिक इफेक्ट, ये सी एच थ्री ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर स्टेरिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर स्टेरिक इफेक्ट बढ़ गया, मैंने आपको क्या बोला, पहले से प्रेजेंट ग्रुप के सराउंडिंग में कोई दूसरा ग्रुप आने स्टेरिक इफेक्ट कराता है और इसको स्टेरिक इंटरेस्ट कहते हैं, और स्टेरिक ग्रुप बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो नाइट्रोजन इस कॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट, इसमें नाइट्रोजन में क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट डेवलप हो जा रहा है, और स्टेरिक इफेक्ट डेवलप होते ही उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर टू अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दैट इज द स्टेरिक इफेक्ट, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपको शॉर्ट नोट्स दिखने को आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किलेटिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। दूसरा है आपको मैंने बताया साइज ऑफ द किलेटिंग रिंग, दूसरा फैक्टर जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किलेट की स्टेबिलिटी के लिए वो होता है साइज ऑफ द रिंग, रिंग का साइज क्या है, क्योंकि किलेटिंग रिंग आपकी क्या होती है, थ्री मेंबर रिंग के बाद से बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर सभी रिंग आ जाती है। तो किलेटिंग रिंग हैविंग द फाइव मेंबर गिव द स्टेबल कंपाउंड एंड द किलेटिंग रिंग हैविंग द मोर द मोर और लेस देन फाइव मेंबर आर जनरली लेस स्टेबल, पांच मेंबर रिंग वाला ज्यादा स्टेबल माना जाता है इन कंपेयर टू फाइव टू लेस, दिस हैपन बिकॉज द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ फाइव मेंबर चिलेट्स आर हाईएस्ट। इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन रीजन क्या है, फाइव मेंबर चिलेट्स द हाईएस्ट स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, किसके बेसिस पर, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, और स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट मैं आपको बता नहीं रही हूँ, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट आप सीनियर क्लासेस में जब आप आगे जाएंगे बेसिक थर्ड में जाएंगे तो चिलेटिंग रिंग विद स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट पूरा डेरिवेशन है कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉज पूछा जाता है कि वट आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, सो दैट इज द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के बेसिस पे फाइव मेंबर रिंग कंपाउंड क्या होता है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी शो करता है इन कंपेयर टू फोर थ्री एंड टू मेंबर, यानी कि पांच से नीचे वाले लेस स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू फाइव मेंबर रिंग। नेक्स्ट है नंबर ऑफ द रिंग्स,
तीसरा मैंने आपको बोला फैक्टर नंबर ऑफ द रिंग्स, रिंग जितने नंबर ऑफ रिंग होंगे उसके बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ रिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेट। किसी भी रिंग की जितने सेंटर मैटर के सराउंड में जितनी रिंग होगी, कहने का मतलब है आपको फिर भाई कोई एग्जाम, फिर हम आयरन ले लेते हैं। अगर इथेलियन डायमंड के हमने क्या ले रखे, तीन लिए थे, तो तीन जरूरी थोड़ी है हमारे पास तीन होंगी। हमारे पास कोई फॉर्मूला हो सकता है एफ ई ई एन का होल ट्वाइस सी एन टू प्लस, तो इसमें कितनी बैड कितने रिंग है, टू रिंग है, टू रिंग हो गई, और साथ में क्या हो गया, दो सी एल अरेंज हो गए, ठीक है, दो सी एल अरेंज हो गए। तो देयर इज टू रिंग, अभी मैंने इससे पहले एग्जाम्पल लिए थे थ्री, तो ग्रेटर विल द नंबर ऑफ रिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेट। जितनी ज्यादा रिंग होगी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ज्यादा मानी जाएगी। एज द नंबर ऑफ डोनर एटम इज ए चिलेट रिंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग। जितने ज्यादा अब रिंग होने का मतलब क्या है, रिंग से मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड। ये लिगेंड ही तो है, ई एन इथेलियन डायमिन एक बाइडेंटेड लिगेंड है जो रिंग में रिंग बनाने की टेंडेंसी रहता है। तो वो ये कह रहा है एज ए डोनर एटम इज ए चिलेटेड रिंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग। जितनी ज्यादा चिलेटिंग रिंग होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे टूवर्ड द सेंटर मेटल साइड। और इलेक्ट्रॉन ही केमिस्ट्री का सबसे मेन बेस होता है, जितने लिगेंड डोनेट किए जाएंगे सेंटर मेटल की तरफ को तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि सेंटर मेटल हैविंग ए टेंडेंसी टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, और डेफिशिएंसी को ही पूरा करने के लिए उसके सराउंडिंग में क्या लगाया जाता है, लिगेंड लगाया जाता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे आपको जो पार्ट फर्स्ट बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट आर लिगेंड्स, लिगेंड्स सब किसे कहते हैं, द लिगेंड हैविंग ए टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द सेंटर मेटल साइड। लिगेंड की टेंडेंसी क्या होती है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनर करने की सेंटर मेटल की तरफ को, क्योंकि सेंटर मेटल में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी मानी जाती है। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जितने ज्यादा लिगेंड होंगे यानी कि जितनी ज्यादा रिंग होंगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ करेंगे, सेंटर मेटल की तरफ को डोनेट करेंगे। जैसे कि सीएल और ईएन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं सेंटर मेटल की साइड को, तो इलेक्ट्रॉन जैसे सेंटर मेटल की साइड को डोनेट करेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, रेगुलरली इंक्रीज होती जाएगी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हम मानते हैं, एक छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द चिलेट विद द बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड्स आर, अगर मान के चलो तो आप एक जनरल एग्जांपल ये था बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसकी स्टेबिलिटी कम मानी जाएगी इन कंपेयर टू ट्राइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि ट्राइडेंटेड लिगेंड में थ्री डोनर साइट होगी और बाइडेंटेड लिगेंड में वन डोनर साइट थी। बाइडेंटेड लिगेंड में कितनी साइट है, दो डोनर साइट थी और उसमें तीन डोनर साइट थी। कहने का मतलब है इसमें अगर बात करी जाएगी तो इथेलियन डायमिन में इथेलियन डायमिन ये है इथेलियन डायमिन और ये वाला है इथेलियन ट्राइएमिन, ठीक है। इथेलियन डायमिन में कितनी रिंग है आपकी, एक रिंग होगी, दो डोनर साइट होगी, एक रिंग वन रिंग, और डायमिन है और क्या होगी, टू डोनर साइट होगी, क्या होगी, टू डोनर साइट होगी। इसमें क्या होगी, इथेलियन ट्राइएमिन में कितनी साइट होगी, थ्री डोनर साइट होगी, थ्री डोनर साइट का मतलब होगा कितनी रिंग होगी, थ्री रिंग होगी। जितनी डोनर साइट होगी उतनी ज्यादा कंपाउंड की क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो ही चीजों से मतलब होता है, वन इज द सेंटर मेटल, सेकंड इज द लिगेंड। अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं फिर से, अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें तो, अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिया एन आई ई एन का होल ट्वाइस सी एल टू प्लस टू, हमने एग्जांपल लिया, सपोज हमने एग्जांपल लेना चाहा तो सेंटर मेटल का निकल, हमारे यहाँ पर सेंटर मेटल निकल है, तो निकल हैविंग ए टेंडेंसी टू डेफिशिएंसी, निकल हैविंग ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हैविंग ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द डोनर एटम साइड। तो ईएन में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा निकल की तरफ को, और क्लोरीन में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा निकल की तरफ को, क्योंकि निकल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए लिगेंड कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंटर मेटल साइड एंड प्रोड्यूस ए रिंग, और वो क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा। और जितने ज्यादा रिंग बनेंगे उतने जितने ज्यादा रिंग बनेगा का मतलब है जितने डोनर साइट होंगे उतनी ज्यादा रिंग बनेंगे, और जितनी ज्यादा रिंग होगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो सिंपल वर्डों में कंक्लूजन ये निकला कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग बनेगी, जितनी ज्यादा डोनर साइट होंगी, उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल हुआ क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उनके बीच में क्या होना है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सो दीज आर द थ्री फैक्टर टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट इज द स्टेरिक पैड, सेकंड इज द साइज ऑफ द चिलेटिंग, एंड थर्ड इज द नंबर ऑफ चिलेटिंग। ये तीन फैक्टर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट मैंने एक चीज इसमें नहीं बताया आपको कि कैसे आपने फाइव मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के बेसिस पर, वो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट अभी आपके स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करा इस टॉपिक के बीच में, ये छोटा सा स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ये था आपका किलेट्स और किलेट्स की स्टेबिलिटी एंड उसके फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ किलेट्स इन अवर लाइफ। ओके, तो आज मैं आपको किलेट्स से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेसिक सेकेंड ईयर में जो सिलेबस में लगभग आती है वो एक्सप्लेन कर चुकी है। अब आप पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द
नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.